आदिवासी गौरव यात्रा दरमियान केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंहनी उपस्थितिमां सांसद मनसुखभाई वसावाए बीटीपी पर निशान साध्युं हतुं। आदिवासीओना मसीहा गणाता छोटू वसावाए ज आदिवासीओनुं पतन कर्युं छे तेम सांसद मनसुख वसावाए नेत्रंग खाते आदिवासी गौरव यात्राना स्वागत प्रसंगे जणाव्युं हतुं। केन्द्रीय आदिजाति विभागना मंत्री रेणुका सिंह स्वरूपा आदिवासी गौरव यात्रामां जोड़ाया हता। उनाईथी शुरू थयेली आदिवासी गौरव यात्रा भरूच जिल्लामां नेत्रंग तालुकाना कवचिया गामेथी प्रवेश कर्यो हतो। आदिजाति विभागना मंत्री रेणुका सिंह स्वरूपाना अध्यक्षपणा हेठळ स्वामीनारायण मंदिरे भव्य जनसभा योजाई हती। मंत्री रेणुका सिंह स्वरूपाए जणाव्युं हतुं के देशना ट्राइबल विस्तारोमां विकास आजे देखाई रह्यो छे। हुं गुजरातनी पावन भूमि पर आवी छुं तेनुं मने गौरव छे। सांसद मनसुख वसावाए जणाव्युं हतुं के भाजप सरकारे कोरोनामां मफत अनाज आप्युं छे। खेडूतोना खातामां नाज जातना भेदभाव विना 6000 रूपिया नाख्या छे। छोटूभाईए शुं आप्युं छे तो ए साना मसीहा, तेमणे तो आदिवासीओनुं पतन कर्युं छे। पूर्व पट्टीमां कोंग्रेसे मात्र शोषण ज कर्युं छे, ज्यारे भाजपे तासीर अने तस्वीर बदली छे। जसवंतसिंह भापुरे जणाव्युं हतुं के ट्राइबलना 87,000 કરોડના બજેટમાં આદિવાસી વિસ્તારોમાં રસ્તા, પાણી, વીજળી, શિક્ષણ વગેરેમાં ખૂબ મોટું કામ કર્યું છે। 20 લાખ લોકોને વન અધિકાર પત્ર આપવાનું કામ કર્યું છે। 81,95,789 જનજાતિ ભાઈ બહેનોને આયુષ્યમાન ભારત કાર્ડનો લાભ મળ્યો છે। આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં હાઈટેક પ્રચારના ભાગરૂપે ભાજપે રાજ્યમાં ગૌરવ યાત્રાઓ શરૂ કરી છે। આ ગૌરવ યાત્રાઓના માધ્યમથી રાજ્યની તમામ 182 વિધાનસભા બેઠકોને આવરી લેવામાં આવશે। યાત્રા બાદ ચૂંટણી જાહેર થાય તેવી સંભાવનાઓ છે। આજ ભગવાન બિરસા મુંડા જનજાતિ ગૌરવ યાત્રા મે ઝઘડિયા વિધાનસભા ક્ષેત્ર કે નેત્રંગ મે એક આમ સભા હુઈ। મેરે સાથ ઉપસ્થિત હૈ સાંસદ જસવંતભાઈ ભાભોરજી, सांसद मनसुख भाई वसावा जी, पूर्व मंत्री गणपत भाई वसावा जी और पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेता। गुजरात में 5 यात्राएं निकली हैं जिसमें एक भगवान बिरसा मुंडा जनजाति गौरव यात्रा है। 27 विधानसभा क्षेत्र हैं, सभी रिजर्व विधानसभा क्षेत्रों में हमारी ये यात्रा जाएगी और हम जनता से आह्वान करेंगे कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और इसके साथ जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने जनजाति कार्य मंत्रालय बनाकर जनजाति जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वहां पर विकास के साथ जनजातियों की दशा सुधारने के लिए अनेकों महत्वपूर्ण स्कीम चलाकर लोगों को एक लाभ देने का काम हमारी सरकार ने किया। और 2014 में जब देश में पहली बार माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी तब से लेकर अभी तक इन लगभग 8.5 वर्षों में हमारी सरकार इस जनजाति कार्य मंत्रालय जिसका बजट है 87,585 करोड़, तो इतनी बड़ी राशि के साथ हम वो जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर चाहे NH हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क हो, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास हो, जल जीवन मिशन के माध्यम से जल का नल लगाने का काम हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान योजना, इन सब के माध्यम से हम उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमने 740 ब्लॉक में 740 एकलव्य मॉडल स्कूल प्रारंभ किया है जिसमें 38 करोड़ की हमारी बिल्डिंग बन गई है। 480 विद्यार्थी उस स्कूल में पढ़ाई करते हैं और 1,09,000 रुपये हम प्रति साल उन बच्चों पर खर्च करते हैं। तो ये सब संभव हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। इस आज़ादी के 75वें वर्ष पर हमने एक बहुत बड़ी स्कीम देश के 1,47,000 गाँव के लिए लिया है, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम विकास योजना, जिसमें 36,000 गाँव को हमने प्रथम वर्ष में लिया है। और उन गाँव में चाहे वो गुजरात हो, चाहे झारखंड हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, सभी गाँव में 20-20 लाख रुपए हमने पहली किस्त। अजय उनाई थी निकली ने दक्षिण गुजरात में विविध
विधानसभा प्रवास कर आज नेत्रंग मुकामे झगड़िया विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में केन्द्रीय मंत्री रेणुका जी पधार्या। आज 26 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ट्राइबल जी सीटों से जीतवा ना एक संकल्प साथ आगे निकली है। आ झगड़िया विधानसभा पण सरकार में करेला कामों आधार आदिवासी हित में राज्य सरकार ने भारत सरकार जी अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजना लैन चाले ये बात लोग सुधी पहुँचाड़ी अने भारतीय जनता पार्टी की साथ रही अने अपना विस्तार की अंदर जो कोई अधूरा जो कामों से पूर्ण करने आ विधानसभा जीतवी ये खूब जरूरी है। ये अमने मंत्रीश्री पण बात करी अमे पण एज बात करी है। अमे आ वक्त विश्वास साथ कही कि तालुका पंचायत अमारी पास है, जिला पंचायत की सीटों पण अमारी पास है, प्रजा अमारी साथ पेज प्रमुख सुधी अमे आ झगड़े विधानसभा में अमे काम कर्यु छे अने करेला कामों आधार अमे विश्वास साथ कही कि आ झगड़े विधानसभा अमे 100% अमे जीतीए छे। झगड़े विधानसभा में आज कांग्रेस कोई चित्र में ज नहीं, बीटीपी पर लोगों भरोसा नहीं। घड़ीक में ओवीसी साथ गठबंधन करे, घड़ीक में आप साथ गठबंधन करे ने पछी हवे कांग्रेस साथ गठबंधन करवानी वातो आज अंदर अंदर संभळाय छे। एटले एना कारणे खासवारे पेला कासड़िया ने जेम रंग बदले छे बीटीपी ना लोको पार्टीओ बदले छे एटले लोको एमना पर जरा पण विश्वास मुकवाना नथी। आ वखते भारतीय जनता पार्टी केन्द्रमां राज्यमां जेनी सरकार छे એની સાથે રહેવું, લોકો સંકલ્પ કરીને નિર્ણય કરીને બેઠા છે। આ વખતે વિશ્વાસ છે કે અમને આ સીટ અમે જીતવાના છે। ભરૂચમાં નેત્રંગ અને વાલિયાને ઝઘડિયા વિસ્તાર આદિવાસી વિસ્તાર તરીકે ઉપજી આવે છે, તો આદિવાસી તરફથી તમને કેવો પ્રતિસાદ મળે છે? અમે જે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું સંગઠન છે તાલુકા પંચાયત જિલ્લા પંચાયતમાં અમે જે વિજય હાંસલ કર્યો છે અને સરકારની યોજના લોકો સુધી પહોંચાડી છે અમે, એના આધારે અમે વિશ્વાસથી કહીએ છીએ કે લોકો આ વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટીને વિધાનસભામાં વિજય બનાવશે।